हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़, फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं 11th की अकाउंटेंसी के ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। और क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, 11th 12th की अकाउंटेंसी में ज्यादातर सभी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल, ये है क्या। बात करें दोस्तों हम सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स, क्या है फाइनल अकाउंट्स। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक्स अकाउंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। जी हाँ, यानी कि क्लोजिंग बुक्स के एंड के समय, जिस टाइम एंड में क्लोजिंग बुक्स तैयार होती है, उस समय जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो कहलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। यानी कि क्लोजिंग बुक्स के एंड के समय जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कहलाते हैं फाइनल अकाउंट। अकाउंट्स प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक्स आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। फ्रेंड्स मैं फिर से बताऊंगा, अकाउंट्स प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक्स आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। जी हाँ, यानी कि ऐसे खाते जो तैयार किए जाते हैं क्लोजिंग बुक्स के समय, जब क्लोजिंग बुक्स एंड में तैयार की जाती है, उस समय जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो कहलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाना चाहूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस की, एक व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजिशन को दिखाती है। और वो भी कुछ इस तरीके से दिखाती है कि दो रूपों में। और हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार क्यों की जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ ए ईयर। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की एट द एंड ऑफ ईयर। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके भी दो तरीके हैं तैयार करने के। किस तरीके से, दो तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फ्रेंड्स कुछ दो तरीके से तैयार होती है। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट। जी हां, इनकम स्टेटमेंट। और सेकंड है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। फ्रेंड्स यदि मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इनकम स्टेटमेंट जो एक रूप है उसकी बात करूं, तो इसके अंदर मैं एग्जांपल दूंगा लाइक ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड पी एंड एल अकाउंट। जी हाँ, यानी इनकम स्टेटमेंट में जो तैयारी होती है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मैं अगर बताऊं तो इसके अंदर लाइक बैलेंस शीट। जी हाँ, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो फाइनेंशियल पोजीशन होती है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट है क्या। फ्रेंड्स मैंने बताया जो भी अकाउंट तैयार किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक्स, क्लोजिंग बुक्स के समय जितने भी अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। एंड जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ ए ईयर। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है
जो कि शो करती है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को साल के आखिर में एट द एंड ऑफ ईयर। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ दो रूप में तैयार की जाती है। पहली होती है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में दोस्तों यहां तैयार किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बात करें फाइनेंशियल पोजीशन की, तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो यहां तैयार की जाती है एज ए बैलेंस शीट के रूप में। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट की जो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, तो चलिए उसको भी जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें तैयार की जाती है, नंबर एक इनकम स्टेटमेंट, नंबर दो फाइनेंशियल पोजीशंस। अब बात मैं करता हूं इनकम स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हम तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स जो तैयारी की जाती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना, और वो किस तरीके से होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फार्मूला होता है छोटा सा, जी हाँ, और वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। जी हाँ, जो भी हमारा शुरू का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। दोस्तों यहां मेरा नेट परचेस से मतलब है ऐसी परचेज जिसमें हमने परचेज रिटर्न को लेस कर दिया, उसके बाद जो निकल के आई है नेट परचेस, इसको हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक में, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे बात की डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ये वो एक्सपेंसेस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आती हैं। जी हाँ, ऐसे खर्चे जो किसी भी प्रोडक्ट को उत्पन्न करने में, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और प्रोडक्शन से लेकर उसको फिनिश गुड तक ले जाने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं, यानी कि बेचने तक के लिए जो तैयारी के लिए जो जितने खर्चे किए जाते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक के अंदर नेट परचेस को जोड़ा जाता है और फिर इसमें जोड़े जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक के लिए तैयारी के दौरान जो खर्च आते हैं, जो खर्च आता है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद जो हमारा निकल के आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स के माध्यम से निकाला जाता है, और इसके बाद हमारा जो बनता है नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अब वैसे तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये भाग हमारा डेबिट्स का होता है और ये क्रेडिट का। डेबिट साइड में टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिएगा टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जी हाँ, इन्हें डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और यहाँ पे जो बाय साइड में आएगा वो हमारा आएगा बाय इनडायरेक्ट इनकम। जी हाँ, बाय इनडायरेक्ट इनकम। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से, जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी हमारा बैलेंस होगा, अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड में बैलेंस सीडी निकला होगा तो वो यहां पे टू बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, सॉरी टू बैलेंस डीडी के नाम से आ जाएगा, और अगर वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू बैलेंस सीडी निकला होगा तो वो यहां बाय बैलेंस डीडी के नाम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो टू बैलेंस ब्रोडाउन है ये हमारा नेट
ग्रॉस लॉस है। जी हाँ, ये हमारा ग्रॉस लॉस है और जो इधर आएगा वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। फ्रेंड्स, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, तो हमें दोनों में से कोई एक सिचुएशन आएगी। यदि लॉस आता है तो टू साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, डेबिट साइड में, और यदि हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से तो वो पीएनएल के अंदर बाय साइड में आएगा, बाय बैलेंस बीडी से वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इनकी सहायता से फिर हम निकालेंगे, यदि हमारा प्रॉफिट होगा तो यहां पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और यदि इस साइड निकलता है तो वो हमारा होगा बाय नेट लॉस। तो फ्रेंड्स, यहां दोनों में से दो चीज नहीं निकल सकती, सिर्फ एक ही निकलेगी, या तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। ये इनकम स्टेटमेंट्स का सेकंड पार्ट है जिसे हमें करना होता है, यानी कि पीएनएल अकाउंट बनाना होता है। और जैसा मैंने बताया, उसकी सेकंड जो पोजीशन स्टेटमेंट है, यानी कि जो उसका हम पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स लायबिलिटीज होती हैं हम उसको वहां पे शो करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जहां तक बात है, जैसा मैंने लिखा टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो फ्रेंड्स इस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्ट को बनने के बाद बेचने से जो रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, यानी कि जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं उसके दौरान जितने भी खर्चे आते हैं उसको बेचने से संबंधित, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हों, जितने भी एक्सपेंसेस उसको बेचने से संबंधित तो वस्तु और सेवाओं को, तो वो सारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर हमारे, मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, कोई भी इंटरेस्ट यदि दिया है, जी हाँ दिया है, लिया नहीं है, अगर इंटरेस्ट दिया है तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। कमीशन दिया है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, यानी कि इंटरेस्ट और कमीशन यदि डेबिट आते हैं तो फिर उन्हें यहाँ प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर शो किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मैंने जैसा बताया, जितने भी वस्तु और सेवाओं को बेचने से संबंधित हमारे खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और यहाँ पे जो बाय बैलेंस बीडी ग्रॉस लॉस आया है, ये फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा, यानी कि जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा वहां से जो बाय साइड का बैलेंस सीडी होगा वो यहाँ टू बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा, जो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। इसी तरह यदि हमारा ये पोर्शन नहीं आता, हमारा वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट को हम जो हमारा टू साइड में है वो हमारा बाय साइड में आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और उसके बाद इसकी टोटलिंग जब करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज निकल के आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर नेट लॉस आता है तो बाय साइड में आएगा, और अगर नेट प्रॉफिट आता है तो टू साइड में आएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम पीएनएल अकाउंट्स को भी प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए। यानी कि इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी, यानी कि उसकी ट्रेडिंग अकाउंट्स की हेल्प की सहायता से, और सेकेंड फिर हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे हम नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे, जो कि हमारी एक इनकम स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा फिर बाद में हमें बैलेंस शीट तैयार करनी होगी फाइनेंशियल पोजिशन बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आपको आज समझ में आ गया मेरे वीडियो में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे आने वाले तभी सभी अपडेट वीडियो 11, 12 अकाउंटेंसी से संबंधित आप देखते रहें और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी करते रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।